लोगों के लिए पानी के नीचे यात्रा करने का सपना पूरा हो गया है। कोलकाता में पहली बार अंडरवाटर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है इसका। हिंदुस्तानियों के लिए पानी के नीचे यात्रा करने का सपना आज पूरा हो गया है। कोलकाता में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो चली है। कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई ये टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगी। और ये है ट्रेन का जो कोच है, इसी कोच में कुछ दिनों में जो पैसेंजर लोग हैं वो पैसेंजर लोग सवार होके सॉल्ट लेक स्टेडियम से सेक्टर 5 या फिर सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक जाएंगे। कोलकाता मेट्रो रेल के ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट का काम दो फेज में पूरा हुआ। पूरा प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है। ये सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। पहला फेज सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा है। इस लाइन पर करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन है। दूसरा फेज अंडरग्राउंड मेट्रो का 11 किलोमीटर लंबा है। इस सुरंग को बनाने में रूस और थाईलैंड के विशेषज्ञों से सलाह ली गई है। सुरंग के पानी का रिसाव रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी के रिसाव से बचाने के लिए 3 स्तर के सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से और रेलवे की तरफ से, हमारी तरफ से पूरा जोर लगा के इस काम को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और जनता की सेवा में पूरी लाइन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जल्दी आए, ये हमारा कलकत्ता के लोगों को विश्वास है। और आप इससे अब हमारे सेतु बनेंगे इंडियन रेलवेज और कलकत्ता की मेट्रो के बीच। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएगी। अप और डाउन लाइन यहां पर दो सुरंग बनाई गई हैं। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,575 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रोजेक्ट पर काम 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस काम में तेजी आई। उम्मीद है कि 2021 तक प्रोजेक्ट के दोनों फेज पूरे हो जाएंगे। कोलकाता से शैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।